दोस्तों, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल पर कीवर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अपने YouTube चैनल को ग्रो कराने के लिए, आपको अपने YouTube चैनल को YouTube के सर्च बार में लाने के लिए आपको अपने YouTube चैनल पर कीवर्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और जो हर संडे रात 8 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, उसमें भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार YouTube चैनल पर कीवर्ड कैसे लगाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल पर कीवर्ड लगा सकते हैं, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपने चैनल पर किस प्रकार की कीवर्ड लगाना चाहिए, कीवर्ड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मतलब कि सब कुछ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, लेकिन उसके पहले शॉर्ट इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि चैनल कीवर्ड क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। तो चैनल कीवर्ड की कहानी ये रहती है कि आपका यूट्यूब चैनल किस कैटेगरीज का है, आप अपने चैनल पर किस कैटेगरीज में वीडियो अपलोड करते हैं। अब आपका चैनल जिस भी कैटेगरीज का होगा, आप अपने चैनल पर जिस भी कैटेगरीज में वीडियो अपलोड करते होंगे, तो आपके चैनल तक या फिर आपके वीडियोस तक किन कीवर्ड्स का यूज करके पहुंचा जा सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किन कीवर्ड्स को यूट्यूब में टाइप करें तो आपका चैनल शो कर दे या फिर आपके वीडियो शो कर दे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। अब यदि मुझे अपने चैनल पर कीवर्ड लगाना होगा तो मैं कैसे लगाऊंगा, जैसे कि मैं अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर देता हूँ तो एक कीवर्ड मेरा हो जाएगा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू से रिलेटेड वीडियोस। सेकेंड कीवर्ड की बात करें, जैसे कि मैं किसी एप्लीकेशन का रिव्यू कर देता हूँ यदि अपने चैनल पर, तो मैं सेकेंड कीवर्ड क्या लगाऊंगा, एप्लीकेशन रिव्यू रिलेटेड वीडियोस। जैसे कि मैं अपने चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बना देता हूँ तो मैं थर्ड कीवर्ड क्या लगाऊंगा, यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक, ऐसा करके। मतलब ये कि आपका चैनल किस कैटेगरीज का है, आप अपने चैनल पर किस कैटेगरीज में किस टाइप के किस प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं, और उन सभी को देखने के लिए किन कीवर्ड्स का यूज करके आप तक पहुंचा जा सकता है, आपके चैनल तक पहुंचा जा सकता है। आपको उन वर्ड्स को अपने YouTube चैनल के कीवर्ड वाले सेक्शन में लगाने होते हैं, बस यही कीवर्ड होते हैं। और फिर आप अपने चैनल से बड़ा जो भी YouTube चैनल होगा, आपके चैनल की कैटेगरीज का जो भी बड़ा YouTube चैनल होगा, आप उसका नाम भी अपने चैनल के कीवर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप वीडियोस उसी के जैसे बनाते हैं। मतलब कि उसके जैसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि उसी की कैटेगरीज के बनाते हैं। मतलब यही होता है कीवर्ड का कि यार आप किस टाइप के वीडियो बनाते हैं, आपका कॉन्टेंट किस टाइप का है, किन कीवर्ड्स को यदि कोई बंदा यूज करेगा तो आप तक पहुंच जाएगा। तो बस यही काम होता है चैनल कीवर्ड का। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपने चैनल पर कीवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं तो गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए, यदि आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो भी आप गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं तो गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे टच करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे ला देना है। तो अब आपका जो लैपटॉप है और मोबाइल का स्क्रीन दोनों सेम हो चुका है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो गाइस, आपको गूगल में सर्च करना होगा यूट्यूब स्टूडियो। जैसे आप यूट्यूब स्टूडियो सर्च करेंगे देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करना होगा, देन आपके सामने आपका चैनल डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब कुछ लोगों के साथ समस्या हो सकती है यदि वो मोबाइल में ये सब कर रहे हो, क्या होता है कि कई बार मोबाइल में जब आप YouTube क्रिएटर स्टूडियो ओपन करने जाएंगे तो बार बार आपका YT स्टूडियो वाला एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो उसका सलूशन क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है, उस वाले वीडियो में मैंने ये काम सारा कुछ मोबाइल में आपको करके बताया हुआ है, तो आप उस वाले वीडियो को देख लीजिए यदि आप मोबाइल में ये काम कर रहे हैं। तो यदि आप पीसी में कर रहे हैं तो इसी वीडियो में कंटिन्यू रहिए। अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पे चैनल पे क्लिक करना होगा। चैनल पे क्लिक करने के बाद बेसिक इन्फो में यहाँ पे कीवर्ड्स का सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने अपने चैनल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग सारे के सारे कीवर्ड्स लगाए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, टेक वीडियोस, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक, एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक, यूट्यूब चैनल ग्रो टिप्स, टेक न्यूज, मोबाइल न्यूज, एप रिव्यू, लेटेस्ट एप, इंडियन टेक चैनल, टेक ज्ञान, टेक टेक्निकल चैनल। इस प्रकार से आपको अपने चैनल पर कीवर्ड लगाने होते हैं। अब आपको अपने चैनल पर किस प्रकार के कीवर्ड लगाने होंगे, तो आपका चैनल जिस भी कैटेगरीज का होगा, आपको अपने चैनल की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कीवर्ड लगाने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड कई सारे वीडियो बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक लिखा है, वो इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं कई बार एंड्रॉइड फोन से रिलेटेड कई सारे वीडियो बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एप रिव्यू लिखा है इसलिए क्योंकि मैं कई बार एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आ जाता हूँ। मतलब ये कि कोई बंदा किन कीवर्ड्स को यूज करे तो उसको आपका चैनल शो कर दे, बस इसलिए कीवर्ड लगाने होते हैं। और साथ ही में आप यहाँ पे अपनी ही कैटेगरीज के किसी दूसरे बड़े यूट्यूब चैनल का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल रखा है टेक ज्ञान। यहाँ पे आप किसी बड़े यूट्यूबर का नाम डाल सकते हैं, वो इसलिए जब कोई बंदा उनका वीडियो देखेगा तो यूट्यूब क्या करेगा कि उस बंदे को आपका वीडियो भी रिकमेंड करेगा, वो इसलिए क्योंकि आपने उनका कीवर्ड लगाया हुआ है। और YouTube भी यही चाहता है कि आप अपने चैनल पर कीवर्ड्स लगाएं, ताकि YouTube को भी ये पता हो कि आप किस कैटेगरीज में वीडियो बनाते हैं, किस टाइप की वीडियो बनाते हैं, ताकि YouTube भी अपने एल्गोरिथम के अनुसार
लोगों तक आपके वीडियो को पहुंचा सके, मतलब कि सही लोगों तक आपके वीडियो को पहुंचा सके। क्योंकि आप कीवर्ड लगाएंगे तो यूट्यूब को भी पता होगा कि यार आप इस टाइप की वीडियो बनाते हैं, तो यूट्यूब क्या करेगा कि उस टाइप के वीडियोस देखने वालों को ही आपके वीडियो रिकमेंड करेगा। तो यही कहानी होती है चैनल कीवर्ड्स की। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अपने चैनल की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, अपने चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड लगा दीजिए। यहाँ पे आप किसी अदर यूट्यूब चैनल का भी नाम लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे कीवर्ड लगा के बताता हूँ। यहाँ पे मैं अपने ही नाम का एक कीवर्ड लगा लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे RNG लिखा, अब यहाँ पे ये कीवर्ड में कब चेंज होगा, जब आप यहाँ पे कामा लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कीवर्ड्स लगा दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे सेव बटन पे टच करिए या फिर क्लिक करिए, तो आपका जो भी कीवर्ड्स होगा वो आपके चैनल पर सेव हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने चैनल पर कीवर्ड सेट कर सकते हैं। मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि आपको अपने चैनल पर कीवर्ड किस प्रकार के लगाने होते हैं, कैसे लगाने होते हैं, क्या करना होता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।